का नुकसान भी झेला है। कुंद्रा ने अपने दोस्त उमेश गोयनका के जरिए सट्टेबाजी में पैसा लगाते थे। कुंद्रा के सट्टेबाजी में भारी नुकसान होने की बात भी मानी, तो वहीं पुलिस ने दावा किया कि राज कुंद्रा का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है ताकि वो जांच के दौरान देश ना छोड़ सके। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने कहा कि कुंद्रा की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। अब देखना ये होगा कि कुंद्रा की गिरफ्तारी होती है या नहीं। आईपीएल और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग करते पकड़े गए खिलाड़ियों के बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में कई कड़े नियम बनाए हैं। आईपीएल और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण को देखते हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करने के लिए अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रही है। खिलाड़ियों को मैचों के लिए अपनी टीम बस में चढ़ने से पहले अपने मोबाइल फोन जमा करने होंगे। इसके अलावा आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी होटल के खिलाड़ियों के व्यवहार पर भी नजर रखेंगे। आईसीसी ने फिक्सिंग रोकने के लिए कई नियम तो बना दिए हैं, अब देखना होगा कि ये नियम कितने कारगर साबित होते हैं। क्रिकेटर अंकित चौहान ने किया कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के आरोपी राजस्थान रॉयल्स के पूर्व खिलाड़ी अंकित चौहान ने अपनी जमानत अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने उसको 18 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी अंकित चौहान ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया और कोर्ट ने अंकित को 18 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अंकित को दिल्ली की अदालत ने 6 जून तक शादी के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अंकित, श्रीशांत और चंदीला समेत दूसरे आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाया है, जिसके लिए अंकित की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि मकोका लगने के बाद आरोपियों की जमानत के आसार खत्म हो गए हैं। अब आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी होने का इंतजार करना पड़ेगा या फिर वो हाई कोर्ट में मकोका को चुनौती दे सकते हैं। रोहित गुप्ता ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक जड़ा। उनकी इस पारी से टीम इंडिया की शानदार शुरुआत रही। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुरली विजय को बाहर कर रोहित शर्मा को नए ओपनर के तौर पर मौका दिया। वहीं रोहित शर्मा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए टीम की ओपनिंग करते हुए धवन के साथ टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। रोहित ने पहले तो अपने वनडे कैरियर का 14वां अर्धशतक पूरा किया और शतक की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अपना शतक नहीं बना पाए और 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित गुप्ता की इस पारी से साफ हो गया है कि टीम इंडिया को एक युवा ओपनर मिल गया है। अब देखना होगा कि रोहित गुप्ता इस पर कब तक काबिज रह पाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में शिखर धवन ने शतक जड़ा। शिखर धवन के वनडे करियर का ये पहला शतक है। वनडे में वापसी कर रहे शिखर धवन ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। शिखर धवन ने 80 गेंदों पर शतक ठोका, जबकि धवन ने 12 चौके और एक छक्के की मदद से 94 गेंदों पर 114 रन बनाए। वहीं धवन के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि वार्म अप मैच में धवन ने दोनों पारियों में टीम इंडिया के कप्तान धोनी को निराश किया था, लेकिन धोनी के दिए मौके को धवन ने जाया नहीं होने दिया और शतक जड़ अपनी अच्छी फॉर्म का संकेत दिया। इससे पहले धवन ने टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दी थी। शिखर धवन की इस परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया को उनसे उम्मीद होगी कि वो आगे भी ऐसा प्रदर्शन जारी रखें। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद जगदम्बिका पाल ने अखिलेश सरकार के उस प्रयास को सिफर करार दिया है, जिसमें प्रदेश सरकार ने 5 मंत्रियों का GM बनाकर प्रदेश के अंदर निवेश लाने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 मंत्रियों का मंत्री समूह गठन किया है, जिसका काम होगा कि प्रदेश में निवेश का माहौल कैसे बनाया जाए। कांग्रेस सांसद जगदम्बिका पाल ने इस प्रयास को सिफर करार दिया है। उनकी माने तो वाइब्रेंट गुजरात के तर्ज पर आगरा कॉन्क्लेव भी अखिलेश यादव ने करके दिखाया था, जिसके बाद निवेश के लिए कोई MOU साइन नहीं हुआ। जब तक प्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली और कानून व्यवस्था का इंतजाम नहीं करती है प्रदेश सरकार, तब तक UP में निवेश लाना नामुमकिन है। जगदम्बिका पाल की माने तो वर्तमान में गाजियाबाद और नोएडा में जो उद्योग लगे हैं, वो भी लचर कानून व्यवस्था और बिजली की हालत की वजह से गुड़गांव और फरीदाबाद शिफ्ट हो रहे हैं, लिहाजा नया निवेश लाना नामुमकिन नजर आता है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने बनाया है नया मंत्री समूह। 5 मंत्रियों वाले इस समूह में कोई भी अध्यक्ष या संयोजक नहीं है। यूपी सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नया मंत्री समूह बनाया है। इस समूह में 5 मंत्रियों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। इस समूह में कोई भी अध्यक्ष या संयोजक नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री आनंद सिंह की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूर नहीं किया था।
लेकिन अब अखिलेश सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उससे जुड़े समस्याओं पर बातचीत करने के लिए ये मंत्री समूह बनाया है। इस मंत्री समूह में कैबिनेट मंत्री अहमद हसन, कैबिनेट मंत्री आनंद सिंह, कैबिनेट मंत्री बलराम यादव, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी और राज्य मंत्री शिवपाल बेरिया हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सपा सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कोई पहल की हो। इससे पहले मुलायम सरकार में भी ऐसी पहल की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बढ़ाए गए दामों व प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने पूरे प्रदेश में धरना व प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रत्येक जिलों के जिला मुख्यालयों पर भी किया गया। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में विधानसभा के सामने प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया व राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की सरकार आने के बाद से ही पूरे प्रदेश की बिजली आपूर्ति चौपट हो गई है। गाँव में जहाँ सरकार 8 घंटे बिजली देने का वादा करती है, वहाँ पर 4 से 5 घंटे भी बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रही है और अब उसकर बाद बिजली के दामों को बढ़ाना जनता के साथ धोखा है। मुन्ना सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर विद्युत वितरण में दोमुहा व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जहाँ पूरे प्रदेश में तय शेड्यूल में बिजली नहीं दे पा रही है, वहीं मुलायम परिवार के लोगों के विधानसभा क्षेत्रों में 24 घंटे की बिजली आपूर्ति की जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ही प्रदेश की राजनीति के हाशिए पर चल रही राष्ट्रीय लोकदल को बिजली के मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में एक नई ऊर्जा दे दी है। गुंडा केस में एक बार फिर से सीबीआई की नज़र राजा भैया पे टेढ़ी हुई है। सीबीआई राजा भैया का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है और इस टेस्ट के लिए सीबीआई कोर्ट में अर्जी भी डाल दी है, जिसपे सुनवाई 11 तारीख को होगी। गुंडा केस में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। ये मोड़ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सीबीआई राजा भैया का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा रही है और इसके लिए उसने कोर्ट में अर्जी भी डाल दी है। हालांकि सीबीआई ने 2 दिन लगातार राजा भैया से पूछताछ की है, लेकिन इस पूछताछ का कोई खास नतीजा न निकलने पर अब सीबीआई राजा भैया का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है। कोर्ट ने इस मुद्दे पे 11 को सुनवाई करेगी। राजा भैया का नाम कुंडा केस में हुए डीएसपी जियाउल हक की हत्या में तब आया जब डीएसपी की पत्नी प्रवीण आजाद ने इस मर्डर केस में राजा भैया को नामजद कराया। कुंडा में तिहरे हत्याकांड में सीबीआई ने प्रधान नन्ने की हत्या पर चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब वो डीएसपी की भी हत्या का राजपाश करना चाहती है। डीएसपी की हत्या में नामजद होने के बाद राजा भैया को अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वो कर दिया जो गाजियाबाद के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सदन में बोर्ड बैठक के दौरान घुसकर कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने मेयर को चूड़ियां पहना दी। इस शर्मनाक घटना पर तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस के खिलाफ फुथु कर रहे हैं। नगर निगम की बोर्ड बैठक में बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जो नगर निगम के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। बैठक शुरू होते ही पहले कांग्रेसी अंदर घुस आए और मेयर के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद हंगामा बढ़ता गया। पुलिस के संज्ञान में आया कि कुछ दो पक्षों के बीच में कुछ जो विभिन्न अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं या दल को बिलोंग करते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ झड़प हुई है। किस बात को लेकर हुई है, पुलिस अभी इसकी पूरी छानबीन कर रही है और क्या एप्लीकेशन आती है पुलिस उसमें दर्ज करके कार्रवाई करेगी। एक महिला ने शहर के प्रथम नागरिक को भ्रष्ट और नकारा बताते हुए उन्हें चूड़ी पहना दी। इसके बाद हंगामा और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। भाजपा पार्षद और कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। इस हंगामे में वो पार्षद पति भी शामिल हो गए जिन्हें मेयर ने बैठक में भाग लेने से रोका था। हंगामे के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। धक्का मुक्की में मेयर के हाथ में चोट भी लग गई है। हैरानी की बात यह है कि शर्मनाक और गंभीर मामले को पुलिस महज 2 पार्टियों के बीच झगड़े का मामला बता रही है। कानपुर में लैपटॉप वितरण के लिए हो रहे सत्यापन की तारीख आए दिन बढ़ने के कारण छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के डीएवी कॉलेज में सरकारी लैपटॉप योजना के तहत छात्रों के हो रहे सत्यापन की तारीख एक बार फिर बढ़ जाने के कारण छात्र आक्रोशित हो गए। उग्र छात्रों ने जमकर हंगामा किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। छात्रों ने वीआईपी रोड पर जाम लगा दिया जिसके कारण घंटों वाहनों की लंबी कतार लगी रही। प्रशासन और पुलिस ने छात्रों को समझाकर शांत कराया
और जाम को खुलवा दिया, लेकिन जाम होने के कारण वीआईपी रोड में कई घंटों तक वाहनें कतार में लगी रहीं। उत्तर प्रदेश में खुल गया है देश का पहला मनरेगा कॉल सेंटर। यूपी सरकार की इस पहल के बाद मनरेगा के कामगार टोल फ्री नंबर, फोन, एसएमएस और वेबसाइट के जरिए मनरेगा में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी ऊपर सरकार तक दे सकेंगे। इसे फिलहाल फेसबुक से भी जोड़ दिया गया है, जिसे बाद में दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट से भी जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा कामगारों के लिए अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश के कामगार अब एक टोल फ्री नंबर से मनरेगा में काम मांग सकते हैं, जॉब कार्ड बनवा सकते हैं, जॉब कार्ड ना बनने की शिकायत कर सकते हैं, इसके जरिए मजदूरी ना मिलने या फिर सीधे बैंक अकाउंट में मजदूरी ना मिलने की शिकायत भी कर सकते हैं। अब मनरेगा को लेकर इस तरह का कॉल सेंटर खोलने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर बाकायदा यूपी के ग्राम विकास मंत्री ने कॉल सेंटर पर दो शिकायतें दर्ज की और जॉब कार्ड पर काम मारकर इस योजना की शुरुआत की। इस कॉल सेंटर को फोन, एसएमएस, वेबसाइट से जोड़ा गया है। फोन मिलाने के लिए नंबर है 1800180599 और एसएमएस करने के लिए नंबर है 9235000005। दावा ये भी है कि इस पर शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर ही कामगारों को काम मिल जाएगा और इसकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर ये योजना ठीक से लागू होती है तो कामगारों को काफी राहत मिलेगी। यानी पारदर्शिता की ये समाजवादी सोच तो बेहतर है, लेकिन दारोमदार अमली जामा पहनाने पर होगा। आईएमए पासिंग आउट परेड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 जून को होने वाली इस परेड में 705 कैडेट्स का अधिकारी बनने का सपना पूरा होगा। आईएमए के कमांडेंट का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आईएमए पीओपी 2013 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार 8 जून को होने वाली इस परेड में 705 कैडेट अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लेंगे, जिसमें 631 भारतीय सेना के और 74 विदेशी कैडेट हैं। सबसे ज्यादा विदेशी कैडेट अफगानिस्तान के हैं। इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल ब्राउन होंगे। आईएमए के कमांडेंट मानवेंद्र सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक कुल मिलाकर 53,571 कैडेट पास आउट होकर भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। कमांडेंट के मुताबिक कैडेटों के लिए कई विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कैडेटों की मनोदशा में सुधार हो सके। फौज की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हर कैडेट का सपना होता है कि वे पासिंग आउट परेड में भाग ले। उनका सभी का सपना 8 जून को पूरा होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आईएमए में पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बयानबाजी का दौर चल रहा है। एक दूसरे पर कांग्रेसी नेता छींटाकशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी बीच यशपाल आर्य और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग शुरू हो गयी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की नौकरशाही पर सवाल खड़े किए तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने यशपाल आर्य के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मैं सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात, चाहे मैं करूं, चाहे आर्य करें, चाहे हमारे कोई भी मंत्री करें, हम इस तरह सार्वजनिक बयान हमको नहीं देना चाहिए, न हम दे सकते। आपसी बयानबाजी के इस दौर के बाद दोनों में नाराजगी देखी गई। दोनों की नाराजगी के बारे में जब यशपाल आर्य से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बात जो भी हो, लेकिन विधायकों और नेताओं के बीच आपसी बयानबाजी पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पिछले 4 दिनों से नगर निगम में नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने आज मुख्य नगर अधिकारी का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने एमएनए का घेराव कर नगर निगम में भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के दो गुटों में पिछले काफी दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसके चलते दून की सफाई व्यवस्था भी चरमराने लगी है। कर्मचारियों की अगुवाई करते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने आज मुख्य नगर अधिकारी से सफाई कर्मचारियों के जल्द ही चुनाव कराने की मांग की। सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि कर्मचारी यूनियन का चुनाव करवाया जाए। उस चुनाव के लिए लगातार कर्मचारी संगठन संघर्ष में थे। इसके साथ ही मुख्य नगर अधिकारी से मांग करते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल होने लगी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर एमएनए ने कार्रवाई करते हुए 15 जून से 29 जून के बीच चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। वहीं कर्मचारियों के दूसरे गुट ने कहा कि जब तक नियमितीकरण की मांग पर अमल नहीं होता, तब तक उन्हें चुनाव स्वीकार नहीं है। सफाई कर्मचारियों और नगर निगम प्रशासन के बीच चल रही जंग का खामियाजा अब दून की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो दून में पड़ी गंदगी की समस्या से जूझ रही है। गंगा के स्वरूप को बचाने के लिए हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता हरिद्वार के नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए।
गंगा के स्वरूप को बचाने के लिए हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता नगर में स्टेट के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इन लोगों की मांग है कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक मां गंगा के जल में सीवरेज लाइनों के मल बहा जा रहा है, श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे वह अनशन जारी रखेंगे। हम इसलिए बैठे कि गंगा का स्वरूप को बचाने की जिम्मेदारी